friends, good morning. How are you all? I hope you all are absolutely fine. तो हम जैसा कि चैप्टर कर रहे थे जर्नल, चैप्टर 9th जर्नल हमारा चल रहा था. इसमें हम ऑलरेडी 15 इलस्ट्रेशंस कर चुके हैं, एक्सरसाइज भी आपने कर ली है. तो आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे. उससे पहले, क्योंकि जर्नल में बार बार जब भी हम किसी भी हेड को डेबिट या क्रेडिट करते हैं तो वो लॉजिकली होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल्स होना चाहिए, ठीक है. तो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 रूल सीखे थे, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं. पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो इन रूल्स को ध्यान में रखते हो, और जितनी भी हमने इसमें ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, सम स्पेशल ट्रांजेक्शन सीख ली है, उन सबको ध्यान में रखते हुए अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे इलस्ट्रेशन 16 से. जैसा कि आप अपनी डीके गोयल बुक में पेज नंबर 9.34 पर देख सकते हो, ठीक है. तो उसको करने से पहले एक छोटी सी चीज और अंडरस्टैंड करें. जब भी हम कोई मशीनरी परचेज करते हैं, ठीक है, या बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, जो कि हमारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, तो सम टाइम इसमें कुछ और खर्चे भी होते हैं. जैसे मान लीजिए हमने मशीनरी परचेज की, तो ये तो हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है ही है, क्योंकि हम बार बार मशीनरी नहीं लेते, एक ह्यूज अमाउंट हमें इस पे इन्वेस्ट करना पड़ता है. इसके साथ ही मशीनरी पर कभी कभी उसको एक फिक्स जगह पर इंस्टॉल करना होता है, जिसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस. इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस. ऐसे ही मशीनरी जिस भी गाड़ी के थ्रू हम मंगवा रहे हैं, ठीक है, उस पर हमें उसका किराया देना पड़ सकता है, जिसको हम कैरेज या फ्रेट बोलते हैं, ठीक है. जैसे मशीनरी 50,000 की थी और हमने उसको दिल्ली से मंगवाया है, और 1,000 उस पर किराया भाड़ा, जिसको हम फ्रेट बोलते हैं. मालगाड़ी से आ रहा है तो हम उसको फ्रेट कहेंगे, टेम्पो से आ रहा है तो उसको कैरेज कहेंगे, ठीक है. या और कोई भी रास्ते के खर्चे, रास्ते में कोई भी एक्सपेंसेस अराइज हो सकता है, जिसको हम ट्रांजिट एक्सपेंसेस बोलते हैं. तो ये सब एक्सपेंसेस तभी हो रहे हैं जब हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं, पहली बार हो रहे हैं, तो ये सब मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड होंगे, ठीक है. इन सबको हम कह सकते हैं कि ये कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर है, इनका अलग से हेड नहीं बनाना, इन सबको मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड करना है. ऐसे ही जब हम बिल्डिंग परचेज करते हैं तो उसमें कुछ भी कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो सकता है, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या ब्रोकरेज कमीशन जिसको हम बोलते हैं. ऐसे एक्सपेंसेस बार बार नहीं होते, ये तभी हो रहे हैं जब हम पहली बार बिल्डिंग खरीद रहे हैं या कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं. तो ये सारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर बिल्डिंग में ही ऐड होंगे, इनके अलग अलग हेड नहीं बनाने ब्रोकरेज या रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ठीक है. तो आपने इन खर्चों को ध्यान में रखना है कि हमारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हैं और एसेट की कॉस्ट का ही पार्ट बनेंगे. तो इलस्ट्रेशन 16 हम कर रहे हैं, मैं आपके सामने फॉर्मेट बना रही हूँ जर्नल का. पहला कॉलम होता है डेट, ठीक है, डेट नहीं है तो हम सीरियल नंबर लिखेंगे. उसके बाद एक बड़ा कॉलम बनाना है आपको, जिसमें मेन हमारी एंट्रीज आती है, पर्टिकुलर्स, जिसमें मिनिमम एक हेड डेबिट और एक हेड क्रेडिट होगा ही होगा बच्चों, बट अकॉर्डिंग टू रूल होगा, जो 3 रूल्स अभी हमने सीखे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल. ये वाला कॉलम आपको ब्लैंक छोड़ना है, लेजर फोलियो, लेजर वाली बुक का पेज नंबर. जर्नल के बाद एक और बुक जो बनती है लेजर, जिसमें हमने कौन से पेज पर कौन सा अकाउंट बनाया है वो नंबर यहाँ लिखा जाता है, आपने इसको ब्लैंक छोड़ना है. और 2 कॉलम, एक डेबिट का अमाउंट और एक क्रेडिट का अमाउंट, ठीक है, दोनों में हमेशा सेम अमाउंट ही रहेगा. और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मैंने वर्किंग नोट के लिए, कोई कैलकुलेशन दिखानी है तो उसके लिए छोड़ा है वर्किंग नोट. आप इसको कॉपी में नीचे वर्किंग नोट बनाएंगे. तो इलस्ट्रेशन 16, जर्नलाइज द फॉलोइंग आइटम्स इन द बुक्स ऑफ राधा कमल एंड सन्स गिविंग सुटेबल नरेशन, ठीक है. नरेशन भी देनी है जो कि ब्रैकेट में हो, ब्रीफ में हो एंड पास्ट टेंस में हो, जिससे हम एंट्री को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि एंट्री क्या बोल रही है, क्या कह रही है.
टोटल 6 आपके यहाँ पर पॉइंट्स हैं, ठीक है, 6 ट्रांजेक्शन है। नंबर 1, बॉट गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश ₹50,000, ऑल्सो पेड ₹1,000 फॉर देयर कैरिज। कैरिज का मतलब होता है बच्चों किराया, भाड़ा, ध्यान से समझिएगा। जब हम गुड्स मंगवाते हैं तब भी कुछ किराया लग सकता है, और जब हम कोई एसेट मशीनरी फर्नीचर मंगवाते हैं तब भी कोई किराया लग सकता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। गुड्स के केस में कैरिज को अलग से शो करना है, सेपरेट हेड बनाना है, लेकिन एसेट जो भी हमने किया था, मशीनरी है, बिल्डिंग है, उसमें कोई भी खर्चा ऊपर का जो ओवरहेड है वो सेपरेटली शो नहीं करना, वो कैपिटलचर का एक्सपेंडिचर है, एसेट की कॉस्ट का ही पार्ट बनेगा, ठीक है। सपोज हमने घर के लिए कोई सोफा सेट लिया 40,000 का, और उसको मंगवाने का यहाँ पर रिक्शा के थ्रू लेकर आए हैं, तो हमारा 2,000 और किराया भी लग गया, तो हम वो कहेंगे कि सोफा हमें 42,000 का पड़ा, ठीक है। तो ऐसे ही मशीनरी या कोई भी एसेट है उससे रिलेटेड खर्चे उसकी कॉस्ट का ही पार्ट माने जाते हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि आप गुड्स परचेज कर रहे हो या एसेट। फिलहाल फर्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने नीलेश नाम के सप्लायर से गुड्स परचेज किया है, और लिखा हुआ है क्लियरली फॉर कैश, यानी कैश भी दे दिया, तो इट्स नॉट अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, नीलेश का नाम नहीं आएगा। जब भी आप गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स नहीं होता, आपने गुड्स से रिलेटेड हेड सीखे हुए हैं, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल्स रिटर्न और स्टॉक। तो यहाँ पर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, और कैश देकर परचेज किया, इसलिए रियल अकाउंट के रूल से कैश हमारा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेजेस डेबिट क्यों हुआ, नॉमिनल का रूल लग रहा है, गुड्स परचेज करते ही रहते हैं, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है हमारा, एक्सपेंसेस नॉमिनल के रूल से डेबिट होते हैं। गुड्स की कॉस्ट है 50,000, लेकिन जब हमने उसको मंगवाया है तो 1,000 कैरेज यानी किराया भी उस पर पे किया है, तो 50,000 गुड्स की कॉस्ट को आप लिखेंगे परचेजेस के सामने, और कैरेज चाहे कितना भी क्यों ना हो, 50,000, 500,000 जितना भी है, आपने गुड्स के केस में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, गुड्स के केस में कैरेज को सेपरेटली शो करना है, लेकिन एसेट के केस में एसेट की कॉस्ट में ही इंक्लूड कर देना है उसको। तो यहाँ पर गुड्स है, हम कैरेज को अलग से शो करेंगे चाहे जितना भी इसका अमाउंट क्यों ना हो। तो हमारे पास से एक्चुअल में दो अमाउंट के लिए कैश जा रहा है, 50,000 तो गुड्स का प्राइस जो इमीडिएटली हमने नीलेश को पे कर दिया, और 1,000 हमने कैरेज किराया भी पे कर दिया जिस भी गाड़ी के थ्रू माल मंगवाया था। तो नरेशन लिख दी जाएगी गुड्स परचेज फॉर कैश एंड कैरेज ऑल्सो पेड इन कैश। नेक्स्ट सेकेंड ट्रांजेक्शन, पेड टू सीता ₹9,650 इन फुल पेमेंट ऑफ अ ड्यूज ऑफ ₹10,000। ये भी बच्चों ने सीखा हुआ है, फुल पेमेंट, फुल सेटलमेंट वर्ड जहाँ पर आ जाए तो वहाँ डिस्काउंट हिडन हो सकता है, आपने डिफरेंस करना है। एक्चुअली सीता को हमने देने थे 10,000, ठीक है, उसका ड्यूज था या उसके अकाउंट का बैलेंस था, तो सीता को हमने 10,000 देने थे, ये उसका अकाउंट का बैलेंस था, बट आज हम उसको 9,650 ही पे कर रहे हैं और वो मान गई है इतने अमाउंट में ही, तो जो डिफरेंस हमें नहीं पे करना पड़ा वो डिस्काउंट छुपा हुआ है, ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम बनेगी। सीता के अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी वो हमारी क्रेडिटर थी, आज हमने उसको डेबिट कर दिया कि क्रेडिटर नहीं रह गई 10,000 से, हमने उसको कैश दिया तो हमारा कैश जो जा रहा है रियल अकाउंट के रूल से क्रेडिट वर्ड गोज आउट होगी वो इतना, और बाकी का तो देना ही नहीं पड़ा, बच गया पैसा, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, दिस इज अवर इनकम, इनकम नॉमिनल के रूल से क्रेडिट होती है, ठीक है। यहाँ पर पर्सनल का रूल लग रहा है कि वो क्रेडिटर नहीं रह गई, यानी डेबिटर रिसीवर हो गई है, यहाँ पे रियल क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और यहाँ पर नॉमिनल का रूल चल रहा है कि डिस्काउंट जो इसका डिफरेंस है, डिफरेंस करेंगे ₹350 हमें नहीं देने पड़े, ठीक है, ये हमारी इनकम है। तो रूल्स के अकॉर्डिंगली लॉजिकली समझ के आपको करना है बच्चों। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, परचेज अ मशीनरी बाय गिविंग अ चेक ऑफ ₹3,00,000 एंड पेड ₹25,000 इन कैश एज वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। अभी स्टार्टिंग में जो मैंने आपको समझाया था बच्चों सारा इस पॉइंट में कवर हुआ है। हमने एक मशीनरी परचेज की है, थर्ड ट्रांजेक्शन देखिए, मशीनरी हमारी कैपिटल नेचर की एसेट है, एसेट सारे
एसेट्स अभी को डेबिट किया जाता है। ठीक है, मशीनरी हमने 3 लाख की परचेज की है, और जब हमने मशीनरी परचेज की तो एक पर्टिकुलर जगह पे उसको फिक्स कराना है, ठीक है, इंस्टॉल कराना है, उसके लिए हमने लेबर को वेजेस भी कैश में दी है। तो जो भी एक्स्ट्रा ओवरहेड खर्चा है, वेजेस है, कैरेज है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है, उसको सेपरेटली हेड एसेट के केस में शो नहीं करना। गुड्स के केस में कैरेज शो करना है, लेकिन मशीनरी से रिलेटेड कोई भी खर्चा मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट ही माना जाएगा। तो मशीनरी 3 लाख तो उसका ओरिजिनल प्राइस, प्लस हमने इंस्टॉल करने के लिए वेजेस कितना पे किया है 25,000, तो टोटल मिला के हम कहेंगे कि मशीनरी हमें कितने की पड़ी, 3,25,000। मशीनरी से रिलेटेड सारे ओवरहेड्स उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, सारे खर्चे यहीं पर ही प्लस करते जाना है। अब जो पेमेंट हो रही है वो दो तरीके से हो रही है, दो मोड्स ऑफ पेमेंट है। जो मशीनरी का ओरिजिनल एक्चुअल प्राइस था वो तो हम चेक से दे रहे हैं, और जो वेजेस है इंस्टॉल करने का खर्चा वो हम कैश में दे रहे हैं। ठीक है, तो जब चेक जा रहा है तो आप लिखेंगे टू बैंक। ठीक है, ये आपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन में सब आपने सीखा हुआ है। जब भी हम किसी को चेक इशू करते हैं तो ये मान के चलना है कि हमारे अकाउंट में से बैलेंस रिड्यूस हो गया है। तो 3 लाख की पेमेंट आपने चेक के थ्रू की है, बैंक बैलेंस रिड्यूस कर देंगे, और 25,000 वेजेस आपने कैश में पे किया, तो इससे हम कैश को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, तो हम यहां पर करते हैं इसको। फोर्थ पॉइंट देखिए, ब्रिक्स फॉर ₹15 लाख एंड टिम्बर फॉर ₹10 लाख परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। हमें बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करानी है, हमने कुछ ब्रिक्स यानी ईंटें खरीदी है 15 लाख की, और टिम्बर यानी लकड़ी खरीदी है 10 लाख की, और ये सारी ही पेमेंट चेक के थ्रू गई है। तो टिम्बर का या आपने ये जो ब्रिक्स खरीदी है ईंटें, इसका अलग से हेड नहीं बनाना, ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के कनेक्शन में खरीदी गई है, उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी। तो आपने लिखना है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और सारी पेमेंट चेक के थ्रू गई है इसलिए टू बैंक लिखा जाएगा, कैश नहीं। तो आपने 15 लाख ब्रिक्स का और 10 लाख टिम्बर का टोटल कितनी पेमेंट की है, 25 लाख। तो 25 लाख हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम्स में लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ के बाद फिफ्थ ट्रांजेक्शन पर आते हैं हम, परचेज एन ओल्ड मशीनरी। ठीक है, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों, ओल्ड मशीनरी है, चाहे ओल्ड मशीनरी है बट हमारे बिजनेस में तो फर्स्ट टाइम आ रही है, हमारे लिए क्या है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। जैसे हम न्यू मशीनरी खरीदते हैं वो भी एसेट है, ओल्ड खरीदेंगे तो वो भी एसेट ही है। 1 लाख की मशीनरी खरीदी और ₹5,000 उसकी कैरेज पर लग गए, कैरेज यानी किराया भाड़ा, और 20,000 उसकी इमीडिएट रिपेयर, उसी टाइम हमने रिपेयर करवाई है ताकि वो वर्किंग कंडीशन में आ जाए। तो जब तक मशीनरी स्टार्ट नहीं हो जाती है, चालू या रनिंग कंडीशन में नहीं आ जाती, तब तक ये सारे खर्चे या ओवरहेड उसकी कॉस्ट का पार्ट बनते जाएंगे। और ये सारे पेमेंट हमने चेक के थ्रू की है, तो आपकी एसेट जो डेबिट होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, और सारी ही पेमेंट हमने चेक से की है, तो टू कैश नहीं लिखना, टू बैंक लिखना है, और किसी भी एक्सपेंस का अलग से हेड नहीं बनाना है क्योंकि पहली बार खर्चा हो रहा है। मशीनरी की कॉस्ट ही 1 लाख, प्लस हमने कैरेज के पे किए 5,000, गुड्स होता तो कैरेज अलग से शो करना है, कोई भी एसेट है मशीनरी फर्नीचर कंप्यूटर बिल्डिंग, तो एक्स्ट्रा खर्चा कॉस्ट का ही पार्ट बनेगा, अलग से हेड शो नहीं होगा। 5,000 कैरेज का दिया और 20,000 हमने उस पर रिपेयर का दिया, तो सारे ओवरहेड्स मिला के हम कहेंगे हमें वो मशीनरी 1,25,000 की पड़ी। ठीक है, इतनी पेमेंट हमारी चेक के थ्रू जा रही है, इससे बैंक बैलेंस हो गया रिड्यूस। सिक्स पॉइंट है, पेड ₹2,500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर। फर्नीचर हमारे पास पहले से ही था, ठीक है, हम कोई नया फर्नीचर नहीं खरीद रहे, नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा होता ही रहता है हर साल, तो ये हमने रिपेयर करवाई है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है जो बार बार अराइज होगा,
तो हमने ऑफिस फर्नीचर की रिपेयर करवाई है 2500, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पर हम ऑफिस फर्नीचर नहीं लिखेंगे और ये सिंपली कैश में पे किए गए, इसलिए टू कैश। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 17 करते हैं अब हम। तो इस समय मेनली दो पॉइंट्स पर आपको बहुत ध्यान देना है कि एसेट से रिलेटेड एक्सपेंस कोई भी हो तो एसेट की कॉस्ट में ही इंक्लूड किए जाएंगे, पर यही खर्चा गुड्स के केस में हो रहा है तो आपने उसका सेपरेटली हेड बनाना है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं पेज नंबर 9.35 पर है इलस्ट्रेशन 17। फॉर्मेट बना लेते हैं डेट, पर्टिकुलर्स। बच्चों क्योंकि ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स है तो मैं बोर्ड को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। कुछ एंट्रीज हम यहाँ कर लेंगे, कुछ हम वहाँ। पर्टिकुलर लेजर फॉर यू, जिसको ब्लैंक ही छोड़ना होता है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, और बाकी की एंट्रीज हम यहाँ पर करेंगे, अपने कॉपी में सेपरेट पेज पर ही शो करना है, इस तरीके से पार्टीशन नहीं करना। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ शंकर स्टोर्स। इसमें से बहुत सारी चीज़ें हमने पहले भी सीखी हुई हैं, फिर भी मैं आपको सारा रिवाइज करवा रही हूँ। ईयर है 2018, पहले ईयर लिखना है, देन मंथ लिखना है और फिर डेट लिखनी है। ठीक है, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने डेट वाइज सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। स्टार्ट किया है बिजनेस, स्टार्टेड, कॉन्ट्रीब्यूटेड, कमेंस्ड, इंट्रोड्यूस्ड, इन्वेस्टेड, ऐसी वर्डिंग जब आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ओनर प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगा रहा है, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, ये सब आपने सीखा। बिजनेस 5 लाख से शुरू किया, जिसमें से 4 लाख बैंक में पेड यानी कि डिपॉजिट करा दिए हैं। 5 लाख में से 4 लाख तो बैंक में चले गए उसी दिन इमिडिएटली, और 1 लाख हमारे पास इन कैश है। तो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या हुई जर्नल में, कैश हमारे पास है जो बिजनेस में ही पड़ा हुआ है, वो है 1 लाख। 4 लाख हमारे बैंक में चले गए, ठीक है, बैंक में पैसा जमा हो गया, बैंक एसेट है, डेबिट होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि बैंक में जो पैसा हमारा जमा होता जा रहा है, ये पैसा हमने बैंक से लेना है, तो बैंक हमारा कौन है, डेबिट द डेटर। 4 लाख और टोटल बिजनेस में हमने मनी इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल की फॉर्म में 2 कैपिटल, 5 लाख। ठीक है, 5 लाख उसने बिजनेस में डाले पैसे, जिसमें से 4 लाख तो बैंक में चले गए, 1 लाख उसके पास कैश में है। नरेशन भी लिख देंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 5 लाख एंड 4 लाख इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड अप्रैल 4th पर आएंगे। परचेज गोड्स फॉर रुपीज 1,40,000 इन ऑल, आउट ऑफ विच हाफ द गोड्स वॉज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर सुधीर। हमने टोटल 1,40,000 का गुड्स परचेज किया, जिसमें से आधा, हाफ जो गुड्स है वो उधार परचेज किया है मिस्टर सुधीर से, हाफ क्रेडिट है यानी कि हाफ रिमेनिंग कैश है, आधा पैसा दे दिया और आधा अभी देना बाकी है। तो गुड्स चाहे हम कैसे भी परचेज क्यों ना करें, कैश हो या क्रेडिट हो, परचेजेस अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, एक्सपेंस है। ठीक है, आधा कैश दे दिया है और आधा मिस्टर सुधीर को अभी देना बाकी है, तो मिस्टर सुधीर को हम क्रेडिटर बना के यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। टोटल गुड्स परचेज किया 1,40,000 का, जिसका हाफ होता है 70,000, 70,000 कैश चला गया और 70,000 से स्टिल मिस्टर सुधीर हमारे क्रेडिट द क्रेडिटर है, इट इज अवर लायबिलिटी। नेक्स्ट अप्रैल 7, बच्चों एक बिल्डिंग परचेज की गई है 2 लाख की, जिसमें ऊपर खर्चे भी हुए हैं, 2% इसी परचेज प्राइस का ब्रोकरेज है, 24,000 रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो ये सारे खर्चे उसमें इंक्लूड करते जाएंगे, क्योंकि बिल्डिंग परचेज की गई है अप्रैल 7 को, तो इनमें से कोई भी खर्चा सेपरेटली हेड में शो नहीं होगा। बिल्डिंग 2 लाख, ठीक है, तो 2 लाख पर 2% मैं यहाँ लिख रही हूँ, बिल्डिंग 2 लाख की थी, 2 लाख का 2% 4,000 रुपये हमारे रजिस्ट्रेशन ब्रोकरेज के खर्चे हैं। ठीक है, ये हमारा ब्रोकरेज का एक्सपेंस है और 24,000 हमारे रजिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस है। 2 लाख बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट,
इसका 2% निकाला, यानी कि 4000 ब्रोकरेज यानी कमीशन दिया और 24000 रजिस्ट्रेशन के खर्चे, तो सारा कुछ मिला के बिल्डिंग हमें 2,28,000 की पड़ेगी। ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। अब कह रही है कि जो बिल्डिंग का परचेज प्राइस था ये 2 लाख, इसको तो हमने कैश में पे किया। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, 2 कैश। बिल्डिंग का जो परचेज प्राइस है वो तो चेक से पे किया बच्चों, 2 बैंक, और रिमेनिंग के जो ऊपर के खर्चे हैं वो हमने कैश में पे किए। तो आपने बैंक और कैश दोनों ही यहाँ लिखना है। परचेज प्राइस 2 लाख वो तो बैंक में जाएगा, बैंक के थ्रू कम हो जाएगा, और कैश में ये 2 खर्चे 4 and 24,000, 4,000 ब्रोकरेज, 24,000 हमारा रजिस्ट्रेशन का खर्चा, तो 28,000 ये एक्सपेंस हम कैश में पे कर रहे हैं। तो टोटल मिलाते हैं आपको बिल्डिंग कितने की पड़ी, 2,28,000 कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो गया। नेक्स्ट अप्रैल 12 पर आते हैं। अप्रैल 12 सोल्ड गुड्स टू अरुण फॉर ₹2 लाख, अरुण पेज 1/4 अमाउंट इन कैश। हम अरुण नाम के कस्टमर को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं 2 लाख में, जिसमें से 1/4 उसने कैश में दे दिया, तो कितना देना बाकी है 3/4। तो हम यहाँ पर सेल करेंगे, जब हम परचेज करते हैं तो परचेज इज डेबिट, और जब हम सेल करते हैं तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, क्योंकि ये रेवेन्यू है, इनकम है, इनकम नॉमिनल के रूल से क्रेडिट होती है। अरुण को हमने गुड्स सोल्ड किया है 2 लाख का, जिसमें से 1/4 तो कैश आ गया, तो कैश रियल अकाउंट के रूल से डेबिट व्हाट कम से, तो इसका 1/4 हुआ 50,000, और इसका 3/4 हुआ 2 लाख का 3/4 1,50,000, जो कि अभी हमने अरुण से लेना है, तो हम भूल ना जाए किससे कितना कब लेना है, इसलिए हम उसको डेट वाइज रिकॉर्ड कर देंगे। अरुण स्टिल हमारा 1,50,000 से डेबिट द डेटर। नेक्स्ट, अभी अभी हमने अरुण को 1,50,000 से डेटर बनाया, क्योंकि अप्रैल 12 से रिलेटेड ही एंट्री है अप्रैल 4 की। ठीक है, कनेक्टेड है ये ट्रांजेक्शन। अप्रैल 14 को क्या हुआ, अरुण हमें एक चेक दे रहा है, कितने का चेक पर अमाउंट कितना मेंशन है 1,48,000, और लिखा हुआ है वर्ड फुल सेटलमेंट, फुल पेमेंट हो गई, यानी कि और कुछ भी लेना देना बाकी नहीं रहा, तो यहाँ डिस्काउंट हिडन हो सकता है। और वो जो चेक दिया लिखा हुआ है कि सेम डे हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अगर ये लाइन ना भी लिखी होती तो आप ये मान के चलेंगे कि चेक जो मिला सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो गया है। तो अरुण से हमें चेक मिला 1,48,000 का, जिसको हम बैंक में डिपॉजिट कराएंगे, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया 1,48,000 से। और हम कह रहे हैं कि अरुण हमारा डेटर नहीं रहा, अरुण से फुल सेटलमेंट हो गई। अरुण को जितने से 1,50,000 से हमने यहाँ डेबिट द डेटर बनाया था, इतने से ही कैंसल करना होगा, इतने से ही वो क्रेडिट द गिवर हो गया। 2,000 हमने कम लिए, ठीक है, नहीं लिए, तो ये हमारा डिस्काउंट अलाउड लॉस बन के रिकॉर्ड होगा। लॉसेस नॉमिनल के रूल से आपको मालूम है डेबिट होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी फुल सेटलमेंट वर्ड हो डिस्काउंट छुपा होगा, ये कैश के पीछे भी हो सकता है, ऐसी यहाँ पर बैंक के पीछे है। नेक्स्ट अप्रैल 16 स्टेशनरी एक्सपेंसेस के पे किए हैं। अप्रैल 16 को 180 रुपीज़ हमने स्टेशनरी के पे किए। स्टेशनरी छोटा मोटा रजिस्टर पेन पेंसिल हम लेते ही रहते हैं, ये हमारा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, जिसको हम स्टेशनरी हेड में डालेंगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। और कुछ नहीं कहा, जब तक कुछ चेक वर्ड ना हो तो आपने कैश ट्रांजेक्शन ही माननी है 180। नेक्स्ट अप्रैल 16 के बाद है बच्चों अप्रैल 17 पेड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन बिल्डिंग बाय चेक एंड शंकर स्टोर्स के बुक्स में हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं। ये किसका बिजनेस है, शंकर स्टोर्स का, इसलिए आप यहाँ पर जर्नल ऑफ शंकर स्टोर्स भी लिख सकते हैं, जर्नल ऑफ शंकर स्टोर्स। ठीक है, शंकर स्टोर्स ओनर का नाम है, उसकी लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम भी बिजनेस के पैसों से भरा जा रहा है, और फायर इंश्योरेंस भी, और दोनों ही चेक के थ्रू है। ठीक है, तो जहाँ पर भी चेक आप काट कर देते हैं किसी को, चेक इशू करते हैं, तो बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा। अब जो बिल्डिंग का फायर इंश्योरेंस है, इसके लिए तो आपको लिखना है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये खर्चा है डेबिट हो जाएगा। ठीक है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आपने कितना पे किया है, चेक से दिया है 1,000, और
ये जो शंकर स्टोर, शंकर जिसका बिजनेस है, ये जो ऑनर है, उसकी लाइफ का इंश्योरेंस जो कि उसका पर्सनल खर्चा था, उसके घर के पैसों से भरा जाना चाहिए था पर बिजनेस के पैसों से भरा जा रहा है, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वर्ड और इनकम टैक्स वर्ड ये जब भी आ जाए तो आपने ड्रॉइंग्स मानना है, क्योंकि ये पर्सनल खर्चा है जो कि हम ऑनर से वापस ले लेंगे। ठीक है, बिजनेस की सेपरेट आइडेंटिटी है उसके ऑनर से। तो दोनों ही केसेस में पैसा बिजनेस का जा रहा है, वो भी चेक के थ्रू, तो बैंक का बैलेंस हमारा 5000 से रिड्यूस हो जाएगा। अप्रैल 17 के बाद अप्रैल 20 पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग। ऑफिस क्लीनिंग ये नॉर्मल रेवेन्यू नेचर का खर्चा बच्चों होता ही रहता है, कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंस नहीं है, तो इसको हम नॉर्मल खर्चों में डाल देंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट, और सिंपली ये कैश के फॉर्म में ही गया है तो 200 हमारा कैश हो जाएगा कम। नेक्स्ट अप्रैल 28 रिसीव्ड अ सम ऑफ ₹2500 बीइंग रेंट फॉर अ पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग लेट आउट। एक बिल्डिंग थी हमारी, उसका एक पोर्शन हमने आगे किराए पर दे दिया जिसका हमको रेंट रिसीव हुआ है, तो आपको यहाँ रेंट लेने की एंट्री करनी है, सिंपल कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। ठीक है, कैश आ रहा है रियल अकाउंट के रूल से डेबिट डॉट कॉम से, और रेंट हमारी इनकम हुई नॉमिनल के रूल से। इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है, अमाउंट लिख दिया जाएगा 2500। और लास्ट है इस सम में 28, ये हमारी इनकम थी। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंस है, हमने अपनी बिजनेस की एड दी है, एडवर्टाइजमेंट करवाई है हिंदुस्तान टाइम्स में, ₹2000 खर्चा आया, तो इसको हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में डेबिट करेंगे और कैश हमारा रिड्यूस हो रहा है ₹2000। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अप्रैल मंथ की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि ये सारी एक मंथ की ट्रांजेक्शन्स थी, इसलिए आपने लास्ट में ग्रैंड टोटल भी करना है जहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन 17 के बाद इलस्ट्रेशन 18। न्यू पॉइंट्स आए हैं इलस्ट्रेशन 18। पांच ही ट्रांजेक्शन्स हैं यहां पर, सीरियल नंबर, डेट, सीरियल नंबर या डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। मुरलीधर एंड सन्स, सम की डिटेल को ध्यान से पढ़ना है। टिम्बर मर्चेंट है ये, अंडरलाइन कर लीजिएगा प्लीज, टिम्बर मर्चेंट यानी लकड़ी वुड इसमें डील करता है ये। ठीक है, तो जर्नल इन द बुक्स ऑफ मुरलीधर एंड सन्स, टिम्बर का काम है इसका, तो जब भी ये टिम्बर खरीदेगा या बेचेगा तो उसको हमने उसका गुड्स मानना है, परचेज या सेल वर्ड यूज होंगे। सबसे पहले रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम जे पीटरसन ₹5450, अलाउड हिम डिस्काउंट ₹150, चेक इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जे पीटरसन से हमें चेक मिला और चेक हमने बैंक में जमा भी करा दिया, तो मान के चलना है बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट। चेक किससे मिल रहा है, जे पीटरसन से, वो गिवर है और यू कैन से कि वो हमारा डेटर नहीं रह गया, तो टू जे पीटरसन क्रेडिट द गिवर हो गया। उसने हमें चेक पकड़ाया है 5450 का और 150 हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया, पैसा लेते हैं तो डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, और किसी को पेमेंट करते हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव होता है, तो ये डिस्काउंट अलाउड है। तो यानी एक्चुअल में जे पीटरसन से हमने कितने पैसे लेने होंगे, 5600। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का टोटल करके ये अमाउंट हमने फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट सेकेंड ट्रांजेक्शन है रिटर्न गुड्स टू सुदर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹350 का गुड्स हमने सुदर्शन को रिटर्न किया। क्यों रिटर्न किया, क्योंकि पहले परचेज किया गया होगा तो अब हम ये वापस कर रहे हैं, तो ये परचेज रिटर्न है, तो सुदर्शन हमारी क्रेडिटर नहीं रह गई। और परचेजेस का अगर क्रेडिट बैलेंस है, सॉरी परचेजेस का अगर डेबिट बैलेंस है, तो परचेज रिटर्न का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा 350। ठीक है, परचेज का डेबिट बैलेंस, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस। थर्ड पॉइंट है
थर्ड को बच्चों इम्पोर्टेंट लगा देना, इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ मेसर्स क्रांति वे टिम्बर कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ द परचेज ऑफ टिम्बर। हम टिम्बर मर्चेंट है, हमने टिम्बर किसी से खरीदा जो कि गुड्स ही है, तो गुड्स जब भी खरीदेंगे तो आपको परचेजेस डेबिट लिखना है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, गुड्स परचेज किया और किस पार्टी से, मेसर्स क्रांति वर टिम्बर कंपनी से, और हमने उसको इमिडिएटली चेक भी पे कर दिया तो पार्टी का नाम यहाँ पर नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। चेक के थ्रू पेमेंट की है तो बैंक बैलेंस हमारा रिड्यूस हो जाएगा, टू बैंक लिखेंगे आप 7500, बैंक का अमाउंट डिक्रीज कर देंगे। फोर्थ, परचेज मशीनरी फॉर ₹50,000 बाई चेक एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हमने पे किए हैं 2500 इन कैश। तो अभी हमने ऐसे बहुत सारे केसेस किए थे, मशीनरी से रिलेटेड सारे खर्चे एसेट की कॉस्ट का ही पार्ट बनेंगे, ठीक है, सेपरेट हेड इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं लिखना। तो आपको टोटल मशीनरी 52,500 की पड़ी, लेकिन मशीनरी का जो एक्चुअल प्राइस था वो तो हमने चेक से दिया ₹50,000, बैंक बैलेंस रिड्यूस, और इसके ऊपर के जो इंस्टॉलेशन चार्जेस थे 2500 वो हमने कैश में पे किए, ठीक है। तो आपको इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अलग से हेड नहीं बनाना है। नेक्स्ट है, परचेज किया है गुड्स 1 लाख का अजय से एंड सप्लाइड इट टू विजय फॉर ₹1,20,000। तो यहाँ पर पहले हमने अजय से गुड्स परचेज किया, एंट्री होगी बच्चों परचेजेस डेबिट टू अजय, ठीक है, अजय हमारा क्रेडिटर है बिकॉज कैश पर नहीं लिखा तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानना है, ₹1,00,000 का गुड्स अजय से परचेज किया, अजय हमारा क्रेडिटर। अब यही माल जिसमें हमने थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करके उसकी फॉर्म चेंज करके अपने मार्जिन ऐड करके विजय को सेल कर दिया, तो विजय हमारा कस्टमर या डेबिट द डेटर, अजय क्रेडिटर, विजय डेटर, तो टू सेल्स यहाँ पर अमाउंट आएगा 1,20,000। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 19 कर रहे हैं हम, इलस्ट्रेशन 19 पेज नंबर 9.37 पर है ये। जनरलाइज करना है इन ट्रांजेक्शन को इन द बुक्स ऑफ चंदन ब्रदर्स, बहुत इजी है बच्चों, सारे डिस्काउंट वाले पॉइंट हैं, वेंडर्स वाले पॉइंट भी हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट हमने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है लास्ट क्लासेस में। रिसीव 38,000 फ्रॉम कृष्ण स्वरूप इन फुल सेटलमेंट, जहाँ पर वर्ड फुल सेटलमेंट हो वहीं पर ही ध्यान रखना है कि डिस्काउंट छुपा हो सकता है, जहाँ फुल सेटलमेंट वर्ड ही नहीं है वहाँ डिस्काउंट नहीं लेना, ठीक है। हमारी हमने कृष्ण स्वरूप जिसका अकाउंट का बैलेंस था 40,000 और आज हम उससे 38,000 ले रहे हैं और पूरा हिसाब हो गया है, फुल सेटलमेंट अंडरलाइन कर लीजिएगा, 38,000 में ही हम मान गए हैं, पार्टी का नाम है कृष्ण स्वरूप जो कि हमारा डेटर नहीं रह गया, कृष्ण स्वरूप लेने थे हमने उससे 40,000, दे रहा है वो 38,000 और फुल सेटलमेंट है इसलिए डिस्काउंट अलाउड हमारा लॉस हो गया, ठीक है। फुल सेटलमेंट जहां पर होगा वहां डिफरेंस डिस्काउंट हेड में जाएगा। नेक्स्ट भी इसके जैसी है लेकिन देखिए क्या डिफरेंस है, रिसीव्ड हुए 38,000 फ्रॉम दुष्यंत ऑन हिज अकाउंट फॉर ₹40,000। तो यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, इसको इसके जैसा ही मान लेते हैं लेकिन डिफरेंस इसी टर्म पर ध्यान देना है, फुल सेटलमेंट फर्स्ट में था इसलिए डिस्काउंट आया, सेकंड में फुल सेटलमेंट नहीं है इसलिए डिस्काउंट भूल कर भी नहीं लिखना। दुष्यंत से हमें लेने तो थे 40,000, ठीक है, अभी वो 38,000 दे रहा है पर उसका हिसाब किताब खत्म नहीं हुआ, फुल सेटलमेंट नहीं हुआ, इट मीन्स 2,000 अभी भी दुष्यंत ने हमारे देने हैं जो बाद में जब देगा तब हम रिकॉर्ड करेंगे, हमने उसको 2,000 का कोई डिस्काउंट नहीं अलाउ किया है, जितना आ रहा है अभी हम उतना ही ले लेंगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू दुष्यंत से हमें मिल रहे हैं 38,000, ठीक है, तो 2,000 उसके अकाउंट का स्टिल बैलेंस शो होगा वो हम उससे लेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है बीरू हु ओड अस ₹15,000, ओड अस का मतलब जितना बीरू ने हमसे उधार लिया हुआ था 15,000, आज कोर्ट ने उसको इंस्टॉलमेंट यानी बैंकक्रप्ट डिक्लेयर कर दिया
और वो 1 रुपए में से 65 पैसा, ठीक है, 0.65, 65 पैसा दे पाएगा, और कह सकते हो कि 35 पैसा या 35% नहीं दे पाएगा। तो जितना आ रहा है वो ले लो, रिसीव एज फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज एस्टेट, यानी उसकी प्रॉपर्टी एसेट संपत्ति से 1 रुपए में से 65 पैसा, 65 पैसा ही कवर हो पाएगा, 35% बिल्कुल भी नहीं आएगा, जो कि हमारा लॉस हो गया। तो जितना आ रहा है वो हम ले लेंगे कैश अकाउंट डेबिट, जो नहीं आ रहा वो हमेशा के लिए हमारा लॉस हो गया, यानी वो डेटर जो बैड प्रूव हो गए हैं, ठीक है। और ये पर्सन का नाम था बीरू, जिसके अकाउंट का बैलेंस हमें क्लोज करना पड़ेगा। एक्चुअल में बीरू हमारा 15,000 से डेबिट द डेटर था। 15,000 का 65% हम निकालेंगे, ठीक है, जितना वो पे कर रहा है। तो 15,000 का 65% जब आप करेंगे तो वो आएगा 9,750, ठीक है। और बाकी का 35% निकाल लेना, या बच्चों आप इसमें से इसको लेस करके भी लिख सकते हो, ठीक है। रिमेनिंग 5,250, जो कि इसी का 35% है, ये वो बिल्कुल भी नहीं दे रहा, नहीं दे सकता, इस कंडीशन में ही नहीं है, तो वो हमारा बैड डेट्स का लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट, फोर ट्रांजेक्शन पर मैं हूँ। ट्रेड डिस्काउंट का पॉइंट है बच्चों, आपने अच्छे से सीखा हुआ है, ये आपको मालूम है कि ट्रेड डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट किया जाता है, लिस्ट प्राइस पर। लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट क्या आता है, इनवॉइस प्राइस। पहले ट्रेड डिस्काउंट देखना है, फिर कैश डिस्काउंट देखना है। ट्रेड डिस्काउंट को हेड बना के रिकॉर्ड नहीं करते, और कैश डिस्काउंट को हेड में रिकॉर्ड करते हैं। तो आपको फॉर्मूला नहीं भूलना, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, और जर्नल में इनवॉइस प्राइस पर ही एंट्री आती है। जब हम ये निकाल ले तो इसका और इसका कोई यूज नहीं होता। गुड सोल्ड किया हमने किट्टी को, लिस्ट प्राइस है 20,000, तो मैं यहाँ लिस्ट प्राइस के नीचे लिख देती हूँ 20,000। ट्रेड डिस्काउंट है 10%, अगर ये टर्म लिस्ट प्राइस नहीं भी लिखा होता बट साथ में ट्रेड डिस्काउंट की परसेंटेज आ जाए तो ये अंडरस्टूड है कि ये लिस्ट प्राइस है। तो 20,000 का 10%, 2,000 ट्रेड डिस्काउंट बिल में से डिडक्ट करके, अब जब हम किट्टी पर बिल बनाएंगे तो वो 18,000 पर बना। हमने ये नहीं बोलना कि हमने किट्टी को 20,000 का माल बेचा, हम कहेंगे कि हमने उसको 18,000 का गुड्स सोल्ड किया है। अब देखना है कि वो कैश पेमेंट कर रही है, कैश डिस्काउंट भी मिलेगा, उसने सेम डे सारा पैसा दे दिया, क्योंकि वो कैश डिस्काउंट जिसका रेट है 5%, इतना वो लेना चाहती है। तो हम किट्टी को गुड्स सोल्ड करने की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, और सारा ही पैसा कैश में आ रहा है हमारे पास, इसलिए किट्टी का नाम कहीं नहीं आएगा। किट्टी को डेबिट द डेटर नहीं बनाना, वो तुरंत सारी पेमेंट कर रही है, और कैश हमने लिया तो साथ में डिस्काउंट भी दिया, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, लॉस हो गया। और टू सेल्स, सेल्स के सामने आपने जो इनवॉइस प्राइस निकाला, लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट का डिफरेंस, इसको लिखेंगे। 18,000 का गुड्स हमने किटी को सोल्ड किया, जिस पर 5% काट के वो बाकी का हमको पेमेंट करेगी, यानी 900 हमारा लॉस हुआ, तो इतना पेमेंट हम कैश में रिसीव कर लेंगे। और लास्ट पॉइंट है बच्चों इस सम का, सप्लाइड गुड्स, ठीक है, सप्लाइड लिखा हुआ है, यानी कि सेल किया है हमने गुड्स, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, प्लीज आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, कॉस्टिंग, ठीक है, कॉस्ट वर्ड आया है, कॉस्ट प्राइस पर एंट्री पास नहीं करनी है। सेल की गुड्स की कॉस्ट है 6,000, कॉस्ट टू कॉस्ट हम गुड्स सोल्ड नहीं कर देंगे, इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड करें, ठीक है। 6,000 की कॉस्ट का जो गुड्स है हमने शकुंतला को सेल किया, ठीक है, कितने पर, 10% अपना मार्जिन रखा। इनवॉइस कैसे बनेगा, इस कॉस्ट में 10% और ऐड करना है, ठीक है, ताकि इनवॉइस प्राइस निकले। तो 6,000 का 10% 600, यानी कि 6,600 का माल हमने उसको बेचा, 10% मार्जिन अपने ऐड किए। अब जब 6,600 का माल हम बेच रहे हैं तो इस पर उसने 5% का ट्रेड डिस्काउंट मांगा है, तो पहले आपको प्रॉफिट ऐड करना है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर कभी भी एंट्री नहीं करनी, कॉस्ट में पहले प्रॉफिट ऐड करना है, फिर ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, ठीक है। तो अब 6,600 का 5%, 5% हम यहाँ लेस कर देंगे, जो कि 330 आएगा, तो आपका जो इनवॉइस प्राइस माला जाएगा वो है 6,270,
इतने पर हम गुड सोल्ड कर रहे हैं शकुंतला को, क्योंकि कैश बैंक ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, तो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो शकुंतला से हमने अभी पैसे लेने हैं, इसलिए हम शकुंतला को डेबिट द डेटर बनाएंगे 6270 से, और गुड सोल्ड हुआ जिसका इनवॉइस प्राइस है 6270, और सेल आपको मालूम है सेल हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है। तो जब भी वर्ड आ जाए कॉस्ट, उसको पहले उसमें प्रॉफिट मार्जिन आपने ऐड करना है, फिर ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है। तो इस 6600 को हम लिस्ट प्राइस कह सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस प्राइस। प्लीज आपको भी ये वर्किंग नोट में ऐसा ही फॉर्मूला लिखना है। और अब मैं आपको लास्ट टॉपिक करवा रही हूँ, गुड्स से रिलेटेड सम स्पेशल ट्रांजेक्शंस। तो आज हमने 15 to 20 इतनी इलस्ट्रेशन सीखी है, ठीक है। इतने एक्सरसाइज के सम भी आपको करने हैं, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। इलस्ट्रेशन 20 करने से पहले मैं आपको गुड्स के कुछ 4 एक्सेप्शनल केसेस समझा रही हूँ। आपको मालूम है जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेजेस क्या होती है, ऑलवेज डेबिट होती है, चाहे कैश में माल खरीदो या फिर क्रेडिट। लेकिन ये 4 केसेस ऐसे हैं जब परचेजेस डेबिट नहीं उल्टा हो जाता है, यानी कि क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। कौन कौन से केसेस हैं, अगर मान लीजिए ओनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से गुड्स निकाल कर ले जाए, ठीक है। सपोज हमारे यहाँ दवाइयाँ मेडिसिन बनती हैं, ठीक है, और प्रोप्राइटर को मेडिसिन की नीड है, तो बाहर से क्यों खरीदेगा, ऑनर का खुद का बिजनेस है, तो जरूरत पड़ने पर अपने घर के यूज के लिए गुड्स निकाल लेता है, ठीक है। तो इसकी एंट्री हमारी क्या होगी, जब भी पर्सनल यूज आ जाएगा तो ड्रॉइंग्स डेबिट होगा ही होगा, ठीक है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्रॉइंग्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, जब जब ड्रॉइंग्स होगी ये कैपिटल को रिड्यूस करेगी। अगर ऑनर ने कैश निकाला तो हम लिखा करते थे 2 cash, लेकिन यहाँ ऑनर गुड्स निकाल कर ले गया है, गुड्स नाम का हेड नहीं होता, स्टॉक आपका रिड्यूस हो रहा है, तो आप लिखेंगे 2 purchases। ये परचेजेस के एक्सेप्शनल केसेस माने जाते हैं जब परचेजेस डेबिट से क्रेडिट हो जाते हैं, ठीक है। और क्या केस होता है, जब हम अपना माल दान में दे दें, सपोज हमारे यहाँ मेडिसिन बनती है, हमने कुछ इंस्टीट्यूशंस में या कहीं पर वैसे ही अपनी दवाइयाँ दान में दे दी हैं, तो चैरिटी में दिया, इसलिए चैरिटी आपका एक तरीके से एक्सपेंस हो गया और गुड्स आपका हो गया कम, इसके बदले में पैसा नहीं आएगा, तो ये लॉस भी कह सकते हो। नॉमिनल के रूल से लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, और गुड्स आपका हमेशा हमेशा कॉस्ट प्राइस पर रिड्यूस होगा। परचेजेस को जब भी आपने डेबिट करना है कॉस्ट प्राइस पर, क्रेडिट करना है कॉस्ट प्राइस पर। थर्ड है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अपने गुड्स की पब्लिसिटी या एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हमने कुछ गुड्स ऐसे फ्री में लोगों को यूज करने के लिए दे दिया, ताकि हम उसका फीडबैक जान सकें कि लोगों को पसंद आया या नहीं। तो फ्री सैंपल्स में दिया, इसलिए हम इसको एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट्स या फ्री सैंपल्स भी लिख सकते हैं बच्चों इसको। इसमें भी बदले में कुछ नहीं आया, खर्चा हो गया लेकिन आया कुछ नहीं, पर गुड्स हो गया कम, तो 2 purchases लिखना है आपको यहाँ, ठीक है। पहला एक्सेप्शनल केसेस, जब परचेजेस डेबिट से क्रेडिट हुई ड्रॉइंग्स। दूसरा एक्सेप्शनल केसेस केस, जब परचेजेस डेबिट से क्रेडिट हुई, जब माल दान में दे दिया चैरिटी में। तीसरा, जब हमने फ्री सैंपल्स में बांट दिया। और फोर्थ, समझिए कि कभी कभी हमारा गुड्स गोडाउन में पड़ा होता है, ठीक है, उसकी चोरी हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय स्टोलर, या उसको आग लग सकती है, जिसको हम बोलते हैं लॉस बाय फायर। तो उस केस में आपको क्या क्या एंट्रीज ध्यान रखनी है, गुड्स हमारा यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस पर रिड्यूस हो गया है, तो अगर चोरी हो गई तो हम लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट, और अगर आग लग गई है तो हम लिखेंगे लॉस बाय स्टोलन डेबिट, और 2 purchases गुड्स हमारा कम हो गया, ठीक है। ये हमारा लॉस हो गया, लॉसेस नॉमिनल के रूल से डेबिट होते हैं, और गुड्स को आपने कॉस्ट प्राइस पर रिड्यूस करना है। अब अगर हमने गुड्स का इंश्योरेंस करवाया हुआ था, तो जितना भी गुड्स का प्राइस है हम इंश्योरेंस कंपनी को अपना डेबिट द डेटर बना लेंगे, और ये लॉस जो है इसको कैंसिल कर देंगे 2 loss by theft या फायर जो भी है, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी यहाँ पर इलस्ट्रेशन 20 पर आइए।
इलस्ट्रेशन 20 में आपके पांच केसेस हैं। फर्स्ट देखिए, प्रोप्राइटर विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज कैश ₹20,000 एंड गुड्स वर्थ ₹10,000। ऑनर ने कैश भी निकाल लिया और गुड्स भी निकाला है, तो ड्रॉइंग्स है, पर्सनल यूज आ गया, इसलिए कुछ हमारा कैश कम हो रहा है और गुड्स के लिए आप क्या लिखेंगे, टू परचेजेस। कैश उसने विड्रॉ किया है 20,000 का और गुड्स उसने विड्रॉ किया है 10,000 का, तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो गई, 30,000। सेकंड पर आएंगे, 50,000 का माल हमने दान में चैरिटी में दे दिया। गुड्स को, परचेजेस को हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही रिड्यूस करना है, कभी भी सेल प्राइस पर रिड्यूस नहीं करना। ये 50,000 का माल अगर हम मार्केट में बेचते तो 60,000 में बिकता, लेकिन सेल प्राइस को आपने प्लीज इग्नोर करना है, आपने कॉस्ट प्राइस देखना है। आपने माल दिया चैरिटी में तो आप लिखेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ऑलवेज क्या लेना है, कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस कम हो ज्यादा हो आपने इग्नोर कर, परचेजेस के लिए ऑलवेज कॉस्ट प्राइस विच इज 50,000। नेक्स्ट, 25,000 का गुड्स हमने फ्री सैंपल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आप उसके लिए एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट और गुड्स आपका फ्री सैंपल्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है 25,000। 50,000 का गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कैश ₹20,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉई, एक एम्प्लॉई ने चुरा लिए हैं, तो जो कि हमारा लॉस हो गया, कुछ गुड्स चला गया और कुछ हमारा कैश चला गया, तो लॉस बाय स्टोलन भी लिख सकती हूँ, लॉस बाय थेफ्ट भी लिख सकती हूँ। बच्चों यहाँ पर लॉस नॉमिनल के रूल से डेबिट होंगे। जो उसने गुड्स चुराया उसके लिए आप लिखेंगे टू परचेजेस और गुड्स का कॉस्ट प्राइस है 50,000, और कुछ उसने कैश चुरा लिया तो बिजनेस का कैश हो गया कम, कैश उसने 20,000 का चुराया और टोटल लॉस हमारा डेबिट में 70,000 आएगा। ठीक है, लॉस बाय स्टोलन हेड डेबिट होगा 70,000 से। और लास्ट इंश्योरेंस का पॉइंट एक बार देख लीजिए यहाँ पर, बाकी और सब में और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें हमारा गुड्स गोडाउन में पड़ा हुआ था जिसमें आग लग गई है, गुड्स की कॉस्ट थी 1 लाख, तो सबसे पहले आप लॉस बाय फायर की एंट्री बनाएंगे, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट सभी डेबिट होते हैं 1 लाख, और परचेजेस हमारी गुड्स जो है कॉस्ट प्राइस पर रिड्यूस हो गया है 1 लाख, ये एंट्री तो करनी ही करनी है, लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेजेस। अब गुड्स इंश्योर्ड हो भी सकता है नहीं भी, तो हमारा इंश्योर्ड था, इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर लिया है और वो हमें 60% अमाउंट इस लॉस का पे कर दे। तो जब भी लॉस बाय फायर होता है उसका इंश्योरेंस है, तो आपको यहाँ पर इस केस में 3 एंट्रीज करनी है। इंश्योरेंस कंपनी को आप अपना डेटर बना लेंगे, कितने अमाउंट से, 1 लाख से, पहले पूरे क्लेम के अमाउंट से आपने उसको डेटर बनाना है। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट द डेटर है, हमने उससे पैसे लेने हैं, और हम कहेंगे जब इंश्योरेंस ही करा लिया तो फिर लॉस किस बात का, लॉस लॉस नहीं रहा, जितने से लॉस बाय फायर डेबिट किया था 1 लाख से, उतने से ही लॉस बाय फायर क्रेडिट कर देंगे। अब ये सारा लॉस किस पे ट्रांसफर हो गया, इंश्योरेंस कंपनी पर इसका बर्डन आ गया। जब इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने का टाइम आया तो वो इस 1 लाख का 60% दे रही है, अभी हमें सिर्फ 40% वो नहीं देगी, तो ये 40% हमें बियर करना पड़ेगा, ये हमारा लॉस है जिसको हमको सफर करना पड़ेगा। तो थर्ड एंट्री प्लीज समझने की कोशिश करें, इंश्योरेंस कंपनी 60% दे देगी, 60% यहाँ आएगा और 40% नहीं देगी, जो कि हमारा लॉस है। लॉस से एक अकाउंट खुलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, P&L बोलते हैं। P&L अकाउंट लॉस से डेबिट होता है और P&L अकाउंट प्रॉफिट से क्रेडिट होता है। और इंश्योरेंस कंपनी को हमने यहाँ जितने से डेबिट द डेटर बनाया था 1 लाख से, ये अकाउंट का बैलेंस खत्म हो जाएगा। 1 लाख का 60% उसने क्लेम हमें पे कर दिया, पेड वर्ड इज मेंशन हियर, और इंश्योरेंस कंपनी हमें कैश नहीं देगी, चेक देगी, तो मान के चलेंगे कि चेक बैंक में जमा हो गया। और 40% 1 लाख का यानी 40,000, ये तो हमें कोई नहीं दे रहा, तो ये हमारा लॉस है जिससे हम P&L को डेबिट करें। तो बच्चों आज आपने 15 to 20 इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, और रिवाइज करने है सब। थैंक यू।